बहुत घाट पर हम मौजूद हैं। ये देखिए आप किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर रीफ यहाँ पर आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी तरफ से। अरुण जेटली के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पे जो तैयारी चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऐसा व्यक्ति जो देश में हर पार्टी में बड़ा नाम रखते थे, और ये देखें किस तरीके से इस तरफ, मैं अपने कैमरामैन जो है दिनेश जी उनको बताऊंगा, ये देखें इस तरफ ये पूरी तैयारी की जा रही है। निगम बोध घाट की हम बात कर रहे हैं, ये देखें आप यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, कोई भी गाड़ी आगे रुकने को आप अलाउ नहीं किया जा रहा है, और इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो आम लोग हैं उनको दिक्कत नहीं हो। उस गेट से जो आम लोग हैं उनके लिए एंट्री है, और अगर जैसे और लोग भी यहाँ पर आते हैं किसी और की अगर कोई अंतिम विदाई है तो वहां से वो लोग जा सकते हैं। ये पूरा जो VIP मूवमेंट के लिए रिजर्व है। सर थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे, मेरे जो कैमरामैन है दिनेश जी उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अंदर, ये गौर करने वाली बात है कि ये जो भी यहाँ पर हो रहा है वो एक स्टेट सिंबल की हम बात कर रहे हैं, और जब स्टेट सिंबल होता है तो उसके अलग अलग तरीके से उसको उसमें डेकोरम्स होते हैं, उसमें एक प्रोटोकॉल होता है जिसको पूरा फॉलो किया जा सकता है। ये तस्वीरें देखें आप, ये निगम बोध घाट के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरी तैयारी की जा रही है। 2:30 बजे बताया जा रहा है कि 2:30 बजे उनको यहां पर जो कहा जाता है अंतिम विदाई यहां पर दी जाएगी। अगर तैयारियों का जायजा लिया जाए तो यहां पर बड़ी अजीब सी बात है। देखिए एज अ रिपोर्टर एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको ये सब दिखा रहा हूं, लेकिन सोचिए कितना कठिन होता होगा परिवार के लिए। आपको ये दिखाने के पीछे की वजह ये है कि जिस तरीके से ये इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इस आदमी ने जो अर्जित किया जीवन में उसकी एक तरीके से कहा जाए ये छवि है, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से हर पार्टी हर तबके का व्यक्ति आज यहां पर मौजूद होगा।